Hello friends, we are going to start section 218 CRPC. Marginal heading of this section says separate charges for distinct offences. पहला सबसेक्शन इसमें बताता है जो जनरल रूल है. जनरल रूल आपका ये है कि जो भी अक्यूज है उसका क्या है, उसके हर एक ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होगा और उन सेपरेट चार्ज के लिए वो ट्राई किया जाएगा. पढ़ते हैं एक बार इस सबसेक्शन को. For every distinct offence of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately. ये तो आपका general rule हो गया. अब proviso क्या बोलता है कि provided that where the accused person by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन. अगर उस अक्यूज को खुद लगता है कि नहीं हाँ ठीक है इन सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जाए, तो वो खुद एप्लीकेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को. और मजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन पे कब काम करेगा, जब उसे ये लगेगा उसके ओपिनियन में कि इससे जो होगा उसका डिफेंस प्रेजुडिस नहीं होगा. मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट के मन में ऐसा नहीं आएगा कि नहीं ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर ये तो बार बार करता है, इसका तो काम ही ऐसा है, मतलब ऑफेंस करता है बार बार, तो इससे प्रेजुडिस ना होगा ना हो अगर उन चार्जेस उन ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई करने में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा इन सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई कर सकते हैं. इसमें लिखा है कि एनी नंबर ऑफ मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन, जितने भी चार्ज फ्रेम किए गए हैं अलग अलग ऑफेंसेस में, तो उन सबको एक साथ ट्राई कर सकता है मजिस्ट्रेट. अब ये बोल रहे हैं कि जो जनरल रूल है आपका सबसेक्शन वन में, वो जो है उनको इफेक्ट नहीं करेगा. कौन से सेक्शंस को? जो सेक्शन 219 है, 220, 221, 223, क्योंकि इन सेक्शंस में आगे हम देखेंगे इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, तो ये जो है उनको इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल. यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन क्या है कि ए इज अक्यूज ऑफ अ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेजन. ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. कि ए ने ऑफेंस किया है थेफ्ट का और ग्रीवियस हर्ट का, तो उसका जो है जो ट्रायल होगा वो दोनों उसके लिए ऑफेंसेस के लिए अलग होगा. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 218.